हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वी प्ले। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये 8.5 इंच की एलसीडी राइटिंग टैबलेट का। ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें कोई पेपर की जरूरत नहीं है एंड कोई चॉक की जरूरत नहीं है। जो पहले स्लेटें आती थी उसमें हम चॉक से लिखते थे, अब ये टोटली डिजिटल में शिफ्ट हो चुकी है। इसका बाहर से अगर बॉक्स देखें तो इसमें लिखा हुआ है, बाहर पेंटिंग कर सकते हो, ग्राफिटी बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ भी एंड अपने मैक्स वैक्स कर सकते हो, है ना। अगर इसके बॉक्स के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर लिखा है इजी राइटिंग, एक की टू क्लियर, 2 साल की बैटरी, नॉन रेडिएटिव, शॉर्ट स्टोरेज और सेफ ट्रीज। जो अपने नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक है तो अपने पेड़ों को तो बचाएगी। और इसके बॉक्स के पीछे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसे यूज़ कैसे करें, कुछ वार्निंग दे रखी है जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। टैबलेट के कलर्स दे रखे हैं, किसी कलर्स में अवेलेबल है एंड यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन भी लिखी है जो इसमें बताया गया है। जो नीचे आपको पेन मिलता है, राइटिंग सरफेस मिलता है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे ये इरेज बटन है एंड फोर्थ पे रिप्लेसेबल 3 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इसको फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये आता है ब्लू कलर में, इसमें ये बीच में देखोगे तो डस्टबिन बना हुआ है जिसे हम दबा के जो लिखेंगे उसे इरेज कर सकते हैं। एंड ये ऊपर देखेंगे तो ये अपन को पेन मिलता है। पेन को निकाल के देखें तो पेन भी लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, एंड आराम से आप पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इस टैबलेट पर कुछ ड्रॉ कर देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का दिख रहा है एंड बिल्कुल आपको फील ही नहीं आएगा कि आप टैबलेट पर लिख रहे हो या पेपर पर लिख रहे हो। टैबलेट को पीछे करेंगे तो इसमें लॉक और अनलॉक का स्विच दे रखा है। हम इसको अगर लॉक की तरफ शिफ्ट कर दें इस स्विच को, तो हम इस डस्टबिन को वाले बटन को दबाएंगे तो ये मिटेगा नहीं। इसी तरह से हम इसको अनलॉक पे शिफ्ट कर दें तो जो भी हमने बनाया है उसको डस्टबिन पे क्लिक करेंगे तो वो मिट जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक स्लेट बहुत ही अच्छी है, आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है। तो इसको इंजॉय करना और अपने स्किल को बढ़ाओ और पेपर को बचाओ, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय।